एक बड़ी और अहम खबर से आपको रूबरू करा दें। इस वक्त की बड़ी खबर है, जयपुर से एयरपोर्ट पर कस्टम ने बड़ी कार्रवाई की है और तस्करी का सोना, 30 लाख का सोना पकड़ा गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, शारजहां से महिला यात्री यहां पहुंची थी, दुबई से ये यात्री आई थी, सोने को तरल पदार्थ बनाकर इसकी तस्करी की जा रही थी। लिक्विड फॉर्म में ये था सोना, अंडर गारमेंट्स में सोना छुपा रखा था महिला ने। बड़ी और अहम खबर जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है, एयरपोर्ट पर कस्टम की बड़ी कार्रवाई, राजधानी जयपुर से बड़ी और अहम खबर, 30 लाख का तस्करी का सोना पकड़ा गया है। शारजहां से ये महिला जयपुर लौटी थी और उसी दौरान चेकिंग में खुलासा हुआ, कस्टम ने कार्रवाई की। बड़ी और अहम खबर, तो इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। इस वक्त की बड़ी खबर है, जयपुर से 30 लाख का सोना यहां से पकड़ा गया है, एयरपोर्ट पर कस्टम ने बड़ी कार्रवाई की। तीस लाख का सोना पकड़ा गया, शारजहां से आई महिला यात्री से सोना पकड़ा गया है। ध्वज आ रहे हमारे संवाददाता, ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। ध्वज, क्या जानकारी मिल पा रही सोने के बारे में जो महिला से बरामद किया गया? देखिए, निश्चित तौर पर जयपुर एयरपोर्ट के जो कस्टम की है बड़ी कार्रवाई मानी जा सकती है। एयरपोर्ट के जो कमिश्नर हैं, कस्टम कमिश्नर सुभाष अग्रवाल, उन्होंने जानकारी दी है कि एक महिला जो कि शारजहां से आ रही थी और ये जो महिला है मुंबई की रहने वाली बताई जा रही है, उसके सामान की और उसके जब बैगेज की जाँच की गई तो उसमें कहीं ना कहीं संदिग्ध धातु का होना है और उसके बाद में उसके सामान की जो चेकिंग की गई और जो इमिग्रेशन की टीम थी उन्होंने पूरे सामान की चेकिंग की गई तो 30 लाख रुपए की तस्करी का सोना एक बड़ी रकम मानी जा सकती है। और ये जो सोना है करीब 700 ग्राम सोना बताया जा रहा है जो कि इनके पास से बरामद हुआ है और कुछ सोना जो था लिक्विड फॉर्म में था और इसे भी एयरपोर्ट के जो कस्टम के अधिकारी हैं उन्होंने बरामद किया है। फिलहाल इस महिला से पूछताछ की जा रही है और ये पता लगाया जाने का प्रयास किया जा रहा है कि ये सोना किसे डिलीवर करने वाली थी और इसके साथ साथ जो ये महिला है कितनी बार इसने विदेश यात्राएं की है, इसके पासपोर्ट की भी जाँच की जा रही है, इसके पासपोर्ट में जितने भी जो वीजा है उनकी जांच की जा रही है कि कितनी बार विदेश यात्राएं की है। तो सबसे अहम जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा कि 20 लाख रुपए से अधिक का जो सोना होता है इसके बाद में किसी आरोपी के पास से या किसी यात्री के पास से पकड़ा जाता है तो उसकी गिरफ्तारी निश्चित होती है। ये जो रकम है 30 लाख रुपए की बताई जा रही है, जो सोना है 30 लाख रुपए का सोना है तो इनकी गिरफ्तारी भी अब कुछ ही देर के बाद में होगी और इनसे पूछताछ की जाएगी। और कोई साथी अगर इनसे जुड़ा हुआ है, क्योंकि एयरपोर्ट के अधिकारियों का जो भी कस्टम अधिकारी से हमारी बातचीत हुई उनका साफ तौर पर कहना था ये जो महिला थी ये मात्र पीरियड थी, लेकिन फिर भी जो है जानकारी जुटाई जा रही है कि इससे पहले कितनी बार विदेश यात्रा की थी और उसके साथ साथ में कितनी बार ये सोना लेके आई है उसके बारे में भी जानकारी जो है जुटाई जा रही है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए ध्वज आपका बहुत शुक्रिया। फिलहाल महिला से पूछताछ की जा रही है, उसका पासपोर्ट भी चेक किया जा रहा है, ये भी जानने की कोशिश होगी कि अब तक कितनी बार वो विदेशों से यात्रा कर